अंकल जी, वो अंतरिक्ष में जाने वाले आम आदमियों का सिलेक्शन आप ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पार्किंग में नहीं, हॉल में होगा। क्या है ना कि एक्चुअली यहाँ बहुत सारे लोग कतार में लगे हैं। अगर उनको पता लग गया कि मैंने आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो लोग डायरेक्ट मुझे ऊपर भेज देंगे। अब तो आप इनका टेस्ट ले लीजिए ना। हाँ, तब आपको पता चलेगा कि अव्वल दर्जे के आम आदमी है। ठीक है। पंचम जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर उनके आंसर्स आपने दे दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। जी हाँ। अच्छा, कोई सपना तो देखा होगा तुमने? जी, हमारा एक आम से सपना है। बोलो बोलो बोलो। जी, हमारा एक आम से सपना ये है कि हमारा एक आम का बगीचा और हम हर पेड़ के नीचे बैठ के आम खाएं, आम का जूस, आम के पापड़, आम का ये, आम का वो, सब कुछ बस आम का हो। हाँ। देखो देखो, मुझे समझ में आ गया कि तुमसे ज्यादा आम आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो पक्का हमारे साथ अंतरिक्ष में चल रहे हो। सर आइए आइए। थैंक यू सर। सर 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 ये बताइए, कहीं पेपर साइन कहीं पे कुछ लेना हो? हाँ 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 हाँ, फॉर्म वॉर्म तो ऑफिस में भरवा लेंगे। अच्छा। और वहाँ तुम्हारे कुछ मेडिकल टेस्ट भी कर लेंगे। ओके। हाँ। बट तुम्हें पीछे के रास्ते से अंदर जाना होगा। क्या है ना कि अगर तुम आगे के रास्ते से अंदर जाओगे और जो लोग कतार में लगे हैं वो हमें देख लेंगे और समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से डायरेक्ट किया है, तो वो डायरेक्ट धक्के देकर बिना रॉकेट के मुझे अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। हुँ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर। आजा 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 आजा। सेठ जी, पापा प्रणाम। क्या होगा ना बात जी? चाय मंगा दूं या नींबू पानी मंगा दूं, बता? चाय चलेगी। अच्छा, और चाय के साथ क्या, समोसे या जलेबी? चाय के साथ समोसे जलेबी तो नहीं सुना। अच्छा, जूता या चप्पल? जूता या चप्पल क्यों? ना ना, चाय समोसे के साथ ना, वो अलग से दूंगा तुझे। तू क्या समझ रहा था कि मेरी दुकान में ऐसे कछुए की चाल चल के आएगा, मुझे खबर भी ना लगेगी? कहाँ चला गया था काम के वक्त? तू बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी वो हम ना ना, बहाने बनाने का टाइम ना दूंगा, बता जल्दी। पंचम पंचम जी, पंचम जी। जी जी, हम हैं। खींचो 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 खींचो। मिस्टर पंचम, हमें अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से आपके चुनाव के बारे में खबर मिली। बधाई हो। इतने बड़े अचीवमेंट पे आप कैसा महसूस करते हैं? हमें ऐसा गुदगुदी सा लग रहा है। आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम हमारे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम हमारी नेशनल ड्यूटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। जी पंचम जी, आपने जाने की पूरी तैयारी कर ली है? जी। अरे एक बार मुझे मगर बता, तू कहाँ जाने के लिए फरार हो रहा है? अब सेठ जी, दरअसल क्या है कि हम ही वो आम आदमी है जो अंतरिक्ष जाने के लिए चुने गए हैं। जी, पंचम जी, पर अगर आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे सेठ जी। पंचम जी। जी जी, आपकी एक फोटो लेना चाहते हैं, जरा इस तरफ। हाँ। वो हवा में उड़ने वाली पोज बनाइए ना। खींचो 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 खींचो। कोई बात ना, तू उड़ तू बस उड़। हाँ उड़। अब पंचम जी, जी, पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है, इस पे क्या कहेंगे आप? कह दे। हाँ, देख लोग क्या कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे जो है औरत का हाथ होता है, लेकिन तेरे जैसे सफल आदमी के पीछे सेठ जी का हाथ है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। जी यहाँ से निकल के जा रहा था, मैंने ऐसा बुलाया गया, अरे इधर आ। अरे यहाँ गया दुकान में, मैंने कहा तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा तू बता, तुझे शर्मा मत, तुझे चाहिए क्या? ये बोला नौकरी चाहिए। मैंने ऐसे नौकरी दी, मैंने कहा यहाँ मैं तेरे लिए नौकरी पक्की। मैंने नौकरी जब दी, मैंने कहा तुझे और क्या चाहिए बता? तो थोड़ा शर्मा रहा था पैसे के लिए। मैंने कहा मैं दूंगा तुझे पैसे, कैसी बातें कर रहा है, मैं तनख्वाह दूंगा। मैंने ऐसे तनख्वाह दी। अब बताओ, मुझे शुरू से ही मालूम था कि ये जो है बहुत बड़ा काम करेगा, मतलब अंतरिक्ष में जाएगा। मैंने कहा 5420 जो है, अरे बताओ, पूत के पैर जो है पालने में पता लग जाते हैं, और ये तो सबूत है। अंकल जी, एक्सक्यूज मी, पंचम जी, आपकी और एक फोटो लेना चाहते हैं हम। जी जरूर। आजा। जी अंकल, आप थोड़ा लेफ्ट में आएंगे। हाँ जी, थोड़ा सा। और थोड़ा सा और थोड़ा सा टिचकी बस एक उंगली। हाँ खींचो रेडी स्माइल। हाँ स्माइल क्या हंस रहे हो हम। खींचो हाँ खींचो इधर खींच ले रहे हो यार। हाँ अंकल जी हाँ अब आप थोड़ा सा राइट में आएंगे आप इधर। हाँ यहाँ पे आ जाइए यहाँ और थोड़ा सा। अच्छा ये और थोड़ा सा थोड़ा और एक टिचकी और एक टिचकी डेढ़ टिचकी और एक खींचो टू द मून पीस। अरे करो। हाँ अरे सुन बता क्या है। अरे कहाँ गई तू। अरे यही तो हूँ। करो। ओहो अरे तू कह रही आओ यहाँ तो कहीं ना है तू। अरे यही हूँ इलायची बाबा तुम कहाँ हो। अरे मैं तो यहाँ हूँ तू समझ ही ना रही है। सुन तो करो। इलायची के पापा दुकान के कस्टमर छोड़कर के यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हो। अरे मैं ना खेल रहा हूँ। जब मैंने तुझे आवाज दी तो तू अंदर आ गई। जब मैं अंदर आया तू बाहर आ गई। मैं बाहर आया तू अंदर आ गई। अरे ये अंदर बाहर करते करते मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन वो सब छोड़। मैं ये कह रहा था वो अपना जो खन-खन है ना सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ भाई पंचम भाई इसका नाम जो है मेरे कानों में खनखना रहा है। क्या सुबह सुबह शोर मचा रहे हो क्या हो गया। अरे शोर मचाने वाली बात ही है। मैं तो चाहूं तो लाल किले में जाके ऐलान कर दूं वो अंतरिक्ष में आम आदमी को भेज रहे हैं। पता है उसके लिए हमने पंचम का नाम आया है अंतरिक्ष यात्री के लिए। पापा आपने जीजा जी का सही नाम लिया पहली बार। अरे क्यों ना लूंगा। अरे अपना बच्चा है। टू द मून टू द मून। हाँ टू द मून। अरे आजा टू द मून। अरे पीस आई लव। अरे तू यहाँ बैठ बताओ ये यान में बैठ के आसमान के पार बंसल 420 का नाम रोशन करेगा। जीजा जी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू इलायची जी। खुश रहो बहुत तरक्की करो। मेरे तो भाने खुल गए। इलायची के पापा मिठाई तुम खाओ। गुड़ खिला दे सेहत के लिए अच्छा होता है। मिठाई मंगाने में भी कंजूसी इलायची के पापा में तो भागे फूट। वैसे पापा अंतरिक्ष में जाना ना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। पता है जीजा जी आपका नाम ना अखबारों में न्यूज़ चैनल्स में हर जगह आएगा। अब आप आम आदमी नहीं रहेंगे। तो वैसे कोई टेस्ट वेस्ट लिया आपका। जी बिल्कुल लिया था ना। इंटर गैलेक्सी रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द GDP इन सर्कुलर मोशन अल्फा बीटा गामा ऑफ हैशटैग योर बॉस इज एन एलियन स्टे हैप्पी। इतने सारे सवाल पूछे एक आम आदमी से तो फिर वो आम आदमी कहाँ रहा भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी। हम जो हैं बिल्कुल भी आम व्यक्ति नहीं है। हमने यूनिवर्स साइंस में ह्यूरोलॉजी की है। फिजिक्स में NCRT, CBSE, केमिस्ट्री लेवोलॉजी ट्रिग्नोमेट्री। यूज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड गेट रिड ऑफ पाइल्स। जी और हमने एक बहुत ही मशहूर किताब पे सॉरी सेठ जी दरअसल क्या है कि हमसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए जिनका हमने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। हमने दरअसल आपको ये भी नहीं बताया कि हम पंजाबी बाग में जो एक हनुमान गली है ना हाँ वहाँ पर हम रोज पढ़ाने जाते हैं। नाइट स्कूल है। जी जीजा जी आप कितने महान हैं। इतने ज्ञानी होने के बाद भी आप हमारी दुकान में काम करते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब इतना पढ़ा लिखा लड़का जो है मेरी दुकान में लहंगे बेच रहा है। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन तेरे चोमू से चेहरे को देखकर मुझे कभी ना लगा कि इतना बड़ा दिमाग तूने अपने अंदर भर रखा है। नहीं सेठ जी दरअसल क्या है कि जब भी हमने अपने आप को शीशे में देखा हमने अपने आप को एक रॉकेट उड़ाते हुए देखा। वो अलग बात है सेठ जी कि ऐसे दुकान में मक्खियां उड़ाना भी कोई गलत बात नहीं है। हमें ऐसी कोई शर्म नहीं आती। अरे कोई दुकान में है। अबे जा जल्दी बाहर दुकान पे कोई आया है। यहाँ टाइम पास मत कर जा, चल चल। हाँ मैं भी जाके पढ़ाई करती हूँ। हाँ जा, तू भी पढ़ ले। जीजा जी, आपने कभी सोचा था कि बरसाती से सीधा आसमान में छलांग लगाएंगे? नहीं इलायची जी, सोचा तो कभी भी नहीं था, पर आपने हमें पर दे दिए। लेकिन आसमान में जाके किसी परी को नहीं ढूंढने लगना, वरना ये पर को तरना मुझे अच्छे से आते हैं। हाँ जीजा जी, वो देखो टूटता तारा, चलो विश मांगते हैं। अब क्या मांगा? इलायची जी, हमें बिना मांगे सब कुछ मिल गया, आप जो मिल गई। जी जॉर्ज जी, तो क्यूट। सुनना सुनना, सुन तो सही। अरे भैया हटियो, जरा बैठने दो। पिंटू जी ने स्पेशल वाला हलवा बनाया है। अरे थैंक यू। हलवा भाई मेरा जो है उड़न कटोले पे बैठ के सितारों की सैर करेगा। अरे मिठाई बांटो, हलवा खिलाओ सबको। टू द मून, टू द मून, पीस। मून नहीं, बस आसमान, स्पेस में जा रहे हैं। हाँ वही वही। पिंटू जी, स्पेस में जाने वाली सेल्फी। ले लो ले लो, कान खोल के सुन ले भाई, नीचे उतर के फैलने की जरूरत ना है। मुझसे चौड़े ना हुई हो, हवा निकाल लेंगे तेरी। यार देख, कुछ भी हो आखिर तेरी पहली बीवी तो मैं ही हूँ। अरे बीवी से याद आया, जीजा जी आपको नीचे उतरते हैं ना, सबसे पहले पापा से हमारी शादी की बात करनी है, और आई एम श्योर इस बार वो ना नहीं कह पाएंगे। इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ही हम वापस आएंगे हमें सेठ जी सिंहासन पर बिठा देंगे, और चाहे जो भी हो जाए आपका रिश्ता हमारे हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी शादी पिंटू से हो रखी है। जीजा जी डोंट वरी, पिंटू जी की सेटिंग का आइडिया भी है मेरे पास। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? हम सबकी। टू द मून, पीस, टू द स्पेस। पिंटू जी टूटा तारा। सुनीता जी, क्या मांग लिया आपने? फर्स्ट किस। अरे बंसल। और क्या हुआ पिंटू? ओ बंसल, ऐसी रोनी शक्ल क्यों बना रखी है? तो क्या करूं आंटी जी, जब दिल कद्दूकस हो रखा हो तो टीस तो उठेगी ना। पिंटू जी, अरे ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे मन में तो फुलझड़ियां जलनी चाहिए। तेरा पति पंचम अंतरिक्ष यात्रा पे जो जा रहा है, इसी बात का तो रोना है आंटी जी। अरे आंटी जी आप समझ ना रहे, खुद से सोचिए एक बार। बुग्गू एक बार अंतरिक्ष से जब वापस आएंगे तो उन्हें कितनी शोहरत मिलेगी, और जब शोहरत मिलेगी तो दौलत मिलेगी, दौलत मिलेगी तो औरत। मतलब बुग्गू ना पैसा मिलते ही गुड़ हो जाएंगे, और गुड़ हो गए ना तो लड़कियां मधुमक्खी की तरह उनके आस पास भिन भिनाएंगी। एकदम उल्टा सोचती है बिंटू तू। पंचम ऐसा लड़का बिल्कुल भी ना है। अब तेरी खुद की शक्ल देख ले, पंचम की जगह कोई और लड़का होता तो सुहागरात में घूंघट उठाते ही वो भाग लेता। अरे आप ना समझ नहीं है, मैं जानती हूँ पहले जैसा ना रहा हमारे बीच। हमारी शादी तो खत्म समझ लो। तलाक समझ लो, तलाक आप कुछ ना रहा। आप कहती थी ना कि आपके भाग्य फूट गए, आप गुलाल दीजिए, भाग्य हमारे फूटे। ये पिंटू भी बड़ी अजीब है इलायची, बिना बात के बात को पतंगड़ा बना रही है। नहीं मम्मी, मैंने भी पिंटू भाभी से बात की और मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। तू कैसे समझ सकती है? अरे यार देखो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो कल पापा ना सुपरस्टार बन गए, फिर वो बन ही नहीं सकते। उनकी शक्ल देखिए कैसे कुकुरमुत्ते जैसी है। मान लो ना यार, एक बार को सुपरस्टार बन गए और एक बड़े से अवार्ड फंक्शन में गए आपके साथ, तो सोचो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, मतलब कैसे कैसे ताने कसेंगे कि इतना बड़ा सुपरस्टार और उसकी बीवी ऐसी। बीवी ऐसी क्या मतलब है? नहीं तो कहना क्या चाह रही है? हाँ, क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, कमसीन हूँ, जवान हूँ और फिगर देखिए मेरी 36, 24, 36। और क्या चाहिए? तो कहीं बीवी ऐसी तो भागे फूट गए। अरे अभी फिलहाल पिंटू भाभी के भाग फूटने वाले हैं। जीजा जी ना मतलब एक बार सुपर हिट हो गए ना तो शोहरत दौलत सब कुछ होगा उनके पास, फिर पिंटू भाभी का क्या होगा? देखेंगे नहीं, मतलब उनकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। फिर सोचो लाइफ में टंटे हो रखे पिंटू भाभी की। अरे यार खसोटे, एक बार बता, तू कैसे ये मजनू बना हुआ मालिश कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी महबूबा को चंबल के डाकू उठा के ले गए। शेर जी तुम चले पे घूर मत छिड़को। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मेरी कोई महबूबा हो और उसको डाकू उठा के ले जाएं गूलर खा के। अरे क्यों टेंशन ले रहा है? ऊपर वाले ने सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक जोड़ीदार बनाया है, समझ रहा है तू? हाँ, ऊपर वाले को याद कौन दिलाएगा कि उसका काम सिर्फ जोड़ीदार बनाना ना है, उसे नीचे भी तो भेजना चाहिए। हमारा हीरो कैसा हो? 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 अरे और इलायची कैसी है? अबे अरे और यार क्या हो गया रे? एक चलो साइड में जाओ, चलो क्या लगा रखा है बीच बाजार में? ए मंगी, ये ले पिंकी जी का फोन और पिंकी जी की एक अच्छी सी फोटो खींच दे अंतरिक्ष यात्री श्री पंचम जी के साथ। साहब जी थोड़ा चिपक गया। मंगीलाल बताना जरा पिंकी जी कैसे लग रही है? बंदर टू द मून पीस। साहब जी अंदर अंदर से खुश हो रही हो आपकी फोटो खींच के, कसम से क्या लग रही हो आप, है ना विजेंद्र? देख अच्छा दिखा दिखा दिखा, दिखा। अरे वाह कितनी अच्छी पिक्चर आई है, ये देख, है ना? दरोगा साहब। हाँ जी। मेरा मामला कुछ आगे बढ़ा। देयर इज एनी चांस फॉर माय मैरिज सून? अपना मतलब खसोटे क्या है ना, जिस हिसाब से तेरी उम्र बढ़ रही है ना और तेरे चेहरे पे जो झुर्रियाँ बढ़ रही है ना, उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा मामला स्लो चल रहा है। पिंकी जी देखो तेरी सेटिंग बहुत बढ़िया जगह करा के देंगे। अभी अभी आज चलते हैं पिंकी जी सब्जी मंडी, तो ताज़ा सब्जियाँ आई होंगी ना। पर मंगीलाल तू यहाँ बैठा है, चल चले ना वहाँ। आइए साहब जी, चले दुकान पे भी जाकर बैठ ले वरना अंतरिक्ष में लहंगे बेचने पड़ जाएंगे। Peace. To the shop. इलायची के पापा, हाँ एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। वो पिंटू का रो के बुरा हाल हो रखा है। अरे तो बुरा हाल तो होगा ही, पति जो है अंतरिक्ष में जा रहा है तो रोना तो आएगा ही भैया। इलायची के पापा तुम ना बात ही नहीं समझ रहे हो, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है दोनों के बीच। क्या गड़बड़? वो पंचम है ना, हाँ, वो कुछ कटा-कटा सा रहने लगा है, लगता है अभी से दूरियां बना रहा है। पता नहीं अंतरिक्ष से वापस आने के बाद क्या होगा, शादी टिकेगी भी या नहीं। जी पिंटू जी वही है ना जो कभी कभी सब्जी लेने के लिए गुजरती है यहाँ से। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइटम शी इज। यू कंटिन्यू। तू टेंशन मत ले, मैं बर्तन से बात कर लूंगा। ना ना इलायची के पापा, हाँ अभी बात मत करना। क्यों? हड़बड़ी में बात करोगे तो कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, तो फुर्सत से बात करना। ना ना सेठानी, भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया वो कुछ पीस, कोई हड़बड़ी ना की है। हाय हाय मर जावा गोलर खा के, वो बित्ते भर की कदकाठी, वो उस तरह से तेज तर्रार नजर, वो शेविंग फोम सी मुलायम मुलायम त्वचा। हाय हाय व्हाट अ लेडी। यू प्लीज कंटिन्यू। इलायची के पापा अगर वो दोनों अलग हुए ना तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.